अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम इस वक्त जा रहे हैं एक बड़े ज़बरदस्त इवेंट पे। ये मुझे इनविटेशन मिला है मेरे मामू की तरफ से, और यहाँ पर ईंट बनाने के भट्टे होते हैं, तो जो भट्टे होते हैं उसमें आग जल रही होती है, और क्योंकि आपको पता है कि हम इंडिया में हैं और उसके अंदर हम बनाएंगे उसी की राख के अंदर गर्म गर्म आलू, और उसका जो टेस्ट है मैंने सुना है बहुत ज़बरदस्त है। मेरा भाई लास्ट मंथ यहाँ पर बड़ा इन्जॉय करके गया है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं शाहजहाँपुर के एक छोटे से गांव में, निगोई में, जो कि बहुत खूबसूरत है, और मेरा ननियाल यहीं पर है तो मैं यहीं रहता हूँ, यहीं स्टे करता हूँ। बड़ा खूबसूरत घर है मेरे मामू का। यहाँ इस वक्त मेरी तीन सिस्टर्स ये वीडियो बना रही हैं, इनका थैंक्स सबसे पहले कि इंडियंस हैं। आप देखें बड़ा खूबसूरत ये हमारा घर है, और यहाँ से पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है जो हम कराची के लोगों को खासतौर पर देखने को नहीं मिलती। हम आपके साथ रहेंगे इस वीडियो में, हम रास्ते की भी वीडियो बनाएंगे, और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ हमने जाना है और इस इवेंट को देखना है आपके साथ, और ख़ुद टेस्ट इंजॉय करना है, आपको दिखाना है, ख़ुद हम इसको इंजॉय करेंगे। और बाकी फर्दर हम अब जब हम ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ट्रैवल की वीडियोज़, उसके बाद भट्टे में हम किस तरीके से वो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मामू मुझे लेकर जा रहे हैं और हम इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं आपके साथ। थैंक्स। ये वो रास्ता है, हम निगोई से जा रहे हैं पुआ रोड की तरफ। ये सूरज इधर चारों तरफ बस ग्रीन भी ही देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे मामू हैं जो इंडिया में रहते हैं, इस वक्त ये बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। ये इंडियंस हैं, और ये देखिए और जनाब हम पहुंच चुके हैं, वो सामने जो भट्टा इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो जो धुआं निकल रहा है ये वो भट्टा है जहां पर हम खाने का अपने इंतज़ाम करेंगे मैनुअली, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत पुरसकून, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जगह, ठंडी ठंडी गर्मी के मौसम में। ये सारी तैयार ईंट जो है वो रखी हुई है, और ये शुरू हो गया हमारा पकाने का सिलसिला। ये हमारे एक भाई हैं, सर नाम क्या है आपका? राम अवतार। राम अवतार भाई हैं, ये बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म के आलू, अभी हम इनको फॉलो करेंगे। और ये इम्तियाज़ सुपरमार्केट का मशहूर शॉपर यहाँ पर भी है, ये सारा वो भट्टा है। ये इसकी चिमनी लगी हुई है जिसके नीचे आग होती है, और चारों तरफ ईंट, कच्ची ईंट बिछाई जाती है। खोल गए। नाम क्या आपका भाई? रामलाल साहब, राम लखन, ये वही साहब हैं जो गौर वाली दिखाओ, ये वाला, ये देखिए पक रही है, ये अंदर आग जल रही है और इधर हीट पक रही है, खतरनाक किस्म की हीट है। आलू देखो, इधर पैर बड़ा रख के, ये
ये देखिए जनाब, ये आलू यहाँ हीट के अंदर गाड़े जा रहे हैं। कितना टाइम लेता है भाई ये पकने में? 25 मिनट से आधा घंटे का टाइम है इसका, उसके बाद चटनी वगैरह पिसेगी। इस वक्त ये जितनी भी जमीन दिखाई दे रही है इस सबके नीचे आग जल रही है खतरनाक तरीके की, और उसमें ईंट जो मिट्टी की होती है गारे की, ये बंद कर रहे हैं। ये इन्होंने बंद कर दिया है। हो गया भाई बंद? अब हम वेटिंग पे हैं, अब हम आपको दूसरा चीज एक्सप्लोर कराते हैं। ये भट्टा है, इसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, खुलता रहता है, और ये इसकी चिमनी है बहुत बड़ी सी। यहाँ बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को यहाँ के बारे में इतना इल्म नहीं है, और ये लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ कभी भी कोई कहीं भी हम लोग कहीं जाएं किसी भट्टे पे तो बहुत एहतियात से पूछ के हमें जाना चाहिए। ये देखिए, ये कच्ची ईंट लगी है, ये लगी हुई अंदर, और अब इसके अंदर जब आग फूकी जाएगी तो उसके बाद यही ईंट खड़े खड़े पकना शुरू हो जाएगी, और ये फिर लाल जैसे कि आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है इस तरीके से पक के ये ईंट निकलती है। ये ईंट पक चुकी है, अब ये हल्के हल्के लेबर लग रही है, निकाल रही है, उसके बाद यहाँ से ये वेयर हाउस होती रहती है, और ये जैसे जैसे सेल होती आती है तो ये लोड हो रही है और जा रही है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इंतहाई खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली है। भट्टे का हमारा विजिट है, थोड़ी बहुत जो हमें नॉलेज मिली है वो हमने आपको बताई। ये सारी ईंट यहाँ पे इसमें तैयार रखी हुई है, जो मेरे हिसाब से लाखों लाखों रुपए की होगी, क्योंकि एक ईंट की यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 5-6 रुपए की है इस वक्त। तो ये हजारों की तादाद में होती है, लेकिन ये बिजनेस इतना ईजी नहीं है, इसलिए कि इसमें मौसम की बड़ी सूरत हाल ऐसी होती है जो डिस्टर्ब करती है। बारिश हो जाएगी, भट्टा बंद हो जाएगा, पानी आ जाएगा, ईंट जो कच्ची होती है वो बह जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस कौन से आते हैं इस काम के अंदर, लेकिन फिर भी हमारा जो एक कैजुअल विजिट है वो बहुत आउट क्लास है, आउटस्टैंडिंग है। आलू हमारे पक रहे हैं और हम इसको आधे घंटे के बाद खाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। यहीं की मिट्टी खोद खोद के और ये ईंट बनाई जाती है, ये बनी हुई है कच्ची ईंट। मुझे नहीं आइडिया कि मैं इसको पकड़ूंगा तो टूट ना जाए, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल सी मिट्टी की है, अगर मैं इसको ज़मीन पे मारूंगा तो ये टूट जाएगी, और यही बिल्कुल ही इतनी ज़बरदस्त ये पक जाती है इस भट्टे में कुदरत भर में। ये गन्ने का खेत है जनाब, और बाकी दूर तरफ खेती खेत हैं, खेती खेत हैं। एक्चुअल व्यू जो है हमारे भट्टे का वो ये है। अब हमारी जो पकने वाले आलू हैं वो उनके तैयार होने का टाइम हो चुका है, इसलिए हम अब लेके जा रहे हैं आपको आलू निकालने के लिए। उसको हम दिखाएंगे कि वो कैसे निकलते हैं, मुझे खुद भी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि हम देखते हैं कैसे हो रहा क्या हो रहा। देखिए ये हम जा रहे हैं, एक साहब जा रहे हैं निकालने के लिए, इनके हाथ में अनएक्सपेक्टेड इम्तिहास का शॉपर है, फेमस हमारे वहाँ की बेहतरीन किस्म की एक ग्रॉसरी मार्केट। ये देखें, यहाँ इस वक्त बहुत हीट है क्योंकि ये पूरी जगह आ गए इसके अंदर। ये जो इस वक्त ये अलग से जो मिट्टी जमा है ये वाली, इसमें इस वक्त हमारे आलू दफन है, इनको निकाला जाएगा अब।
बहुत मेहनत तलब काम है यहाँ की लेबर का, हीट के अंदर काम करना गर्मी में। ये देखें ये निकलना शुरू हो गए, गरम होंगे भाई ये बहुत ज्यादा। और क्या खूबसूरत सनसेट, खूबसूरत लोकेशन, चारों तरफ ग्रीनरी। बहुत एहतियात से यहाँ खड़े होना होता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ आग है जमीन के अंदर। हाँ अरे कहाँ है प्रतिपाल गिंदियो? और ये कंप्लीट हो गए हमारे आलू, सारे निकाल लिए गए हैं जो कि तकरीबन रेडी हैं। अब इनको छिक्कल उतार के इनको तैयार किया जाएगा, इनका भरता नुमा बना के और इनको फिर चटनी के साथ सर्व किया जाएगा, उसको भी हम देखेंगे। ये मेरे दोनों मामू जो हैं, बड़े एक छोटे हैं, ये आ रहे हैं देखने के लिए। वो गाड़ी खड़ी है हमारी, हम आए बाइक पे थे और एक मामू हमारे दूर से पहुँच गए यहाँ पर। ये देखिए अब ये इम्तियाज़ के शॉपर में भरे जा रहे हैं। अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इनकी सर्विंग कैसे होती है। ज्यादा करना पड़ती है लेकिन चलो कर कोई बात नहीं है। आलू छीलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये चटनी रखी है और वो शॉपर में ग्रीन मसाला रखा है। अब इसको हम खाएंगे। ये मेरे पास आ गया है, ये आलू तैयार हैं और मसाला और चटनी के साथ सर्विंग है इसकी। अब खा के देखते हैं कैसा हुआ। बाकी लोगों ने बहुत तारीफ करी है, मैं भी ज़रा ट्राई करूं। भट्टे में पके हुए आलू आउटस्टैंडिंग इसका टेस्ट है। बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस हम लोगों का। आलू खाने के बाद हमारा जो आज का ये ट्रिप है ये अख्तताम हुआ। शाम हो चुकी है, अब हम वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा भट्टे का। फिर ज़िंदगी रही तो यहाँ आना होगा।
फिलहाल ये वाला ट्रिप आज का यहीं एंड करेंगे, और बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा। होप के सब लोग इसको एंजॉय कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल काम है इस तरफ आना और यहाँ पे इस तरीके से आना और फिर जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़।